नमस्कार जैन, स्वागत है दोस्तों आपका बाजार इंफॉर्मेशन इंडिया यूट्यूब चैनल में। मौसम से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। दोस्तों, उत्तर भारत के राज्यों में शीतलहर से तो राहत मिल गई है, लेकिन मौसम विभाग की माने तो आज यानी 23 जनवरी से दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत के कई मैदानी इलाकों में मौसम बदल सकता है। इन राज्यों में आज बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है, वही पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दौर भी देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के सुदूर इलाकों में आज हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। इसके बाद कल यानी 24 जनवरी से बारिश की गतिविधियों में इजाफा हो सकता है। वहीं आने वाले दिनों में कुछ राज्यों में ओलावृष्टि भी देखने को मिल सकती है। राजस्थान के उत्तरी हिस्सों और मध्य प्रदेश के सुदूर इलाकों में भी 24 से 26 जनवरी के बीच बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। IMD के मुताबिक दिल्ली के सुदूर इलाकों में आज हल्की बारिश हो सकती है। वहीं कल यानी 24 जनवरी से 26 जनवरी तक गरज के साथ दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 9 डिग्री और अधिकतम तापमान 24 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 24 से 26 जनवरी के बीच पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में गरज के साथ बारिश देखने को मिलेगी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के सुदूर इलाकों में 24 जनवरी को ओलावृष्टि देखने को मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश में 24 और 25 जनवरी को ओले गिर सकते हैं। वही पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी 25 जनवरी को ओलावृष्टि हो सकती है। उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी 24 से 26 जनवरी के बीच ओलावृष्टि की पूर्वानुमान है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। धन्यवाद।